बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जोड़ों के दर्द के अंदर जिन चीज़ों से परहेज़ करनी है इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़ों के दर्द के अंदर जो माजूनात का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा, वो कौन कौन सी ऐसी माजूने हैं। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आपने इस पर भी अमल लाजमी करना है। एक तो आपने जो है ग़िज़ा लतीफ़ और ताकतवर इस्तेमाल करनी है। दूसरा जो ये है कि आपने जोड़ों के ऊपर गर्म पानी की बोतलों से ज़रूर टकोर करनी है, और साथ आपने जो है जैतून के तेल की मालिश करनी है, और कोशिश करनी है कि गर्म पट्टी का आपने इस्तेमाल करना है। अपने जोड़ों को सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर आपने गर्म पट्टी से ढांप कर रखना है। अब तो मौसम वैसे भी चेंज हो चुका है तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मालिश करें तो उसके बाद आपने इसे ढांप के रखना है। तो जो माजूनात हैं उनका नाम आपको बताता चलूं, माजून सुरिंजा है, माजून अदराकी है, आपने इनका इस्तेमाल करना है। और साथ में जिन चीज़ों से आपको परहेज़ का कहा गया है, अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपको अल्लाह के फजल और करम से ज़रूर आराम आएगा। तो जो माजूने हैं आपने कोशिश करना है, करसी की ले लें, हमदर्द की ले लें, या अजमल की ले लें। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये बिल्कुल प्योरीफाइड चीज़ें बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसके रिलेटेड ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी।